वेलकम बोलना भूल गया। वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों ये आज मेरा पहला एक वीडियो है अनबॉक्सिंग का। इसमें मैंने अमेजन से एक बैकपैक मंगाया है। ये 75 लीटर्स का बैग है जो ट्रैवलिंग बैग होता है। अराउंड 4000 कुछ आई थिंक 3995 रुपीज इसकी प्राइस है। पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं ऑफिस में ही इसको खोल दूं, बट फिर मैंने बाद में सोचा कि चलो ठीक है एक बार आपके सामने इसको अनबॉक्स किया जाए और एक छोटा सा रिव्यू मैं इसका आपको दे सकूं। सो लेट्स बिगिन। मैं काफी दिनों से दोस्तों एक अच्छा बैकपैक खोज ही रहा था ट्रैवल के लिए, तो काफी रिसर्च करने के बाद में आई केम अक्रॉस दिस बैकपैक एंड आई फाउंड दैट द रिव्यूज वर एब्सोल्युटली गुड अबाउट दिस बैग। अभी तो ओपन करने के बाद ही पता हेलो दोस्तों, कल जो मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो रोकना पड़ा क्योंकि घर में कुछ गेस्ट्स आ गए थे। तो व्हाट आई थॉट दैट टुडे मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस आई विल कंप्लीट माय वीडियो एंड गिव अ स्मॉल रिव्यू ऑफ दिस बैग एज फास्ट एज आई कैन। तो ये वो बैग है दोस्तों जो मैंने मंगाई थी। इसका नाम है दोस्तों Amazon Basics इंटरनल फ्रेम हाइकिंग बैकपैक विथ रेनफ्लाई 75 लीटर ग्रीन। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड इंपोर्टेड बाय क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दो कलर ऑप्शन में थी दोस्तों, ब्लैक एंड ग्रीन, तो मैंने ये ग्रीन वाली मंगाई है। आई लाइक दिस कलर। और बैग का मटेरियल जो है दोस्तों इट सीम्स क्वाइट गुड। अब आगे चल के आफ्टर यूसेज पता चले कि हाउ रिलायबल दिस इज, बट एट फर्स्ट ग्लैंस इट सीम्स टू बी वेरी गुड। चेन्स की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। पॉकेट्स, रिगार्डिंग पॉकेट्स दोस्तों, यहाँ पे नीचे में एक पॉकेट है, हियर वन पॉकेट इज देयर। एकदम बॉटम में एक पॉकेट है जो यहाँ पे भी आप एक चेन देख सकते हैं। एंड दिस पॉकेट इज फॉर कीपिंग द रेन कवर। तो दिस इज द रेन कवर दोस्तों। ये कलर भी काफी इसके साथ शूट कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो है एक बॉटल होल्डर दिस साइड, वन मोर बॉटल होल्डर दिस साइड। वन थिंग अबाउट दिस व्हाट आई लाइक कि बॉटल होल्डर के नीचे में एक होल दिया है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल अटेंशन टू डिटेल्स, अ थम्स अप फॉर दिस डिजाइन। फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे एक फ्रंट में चेन है और साइड में भी यहाँ पे एक चेन है, इस साइड में भी यहाँ पे एक चेन है। मेन जो दोस्तों इसका द मेन पॉकेट जो है ये जो है इसमें कोई चेन नहीं है, ये एक रोप और एक लैच से है। सो इफ यू प्रेस दिस लैच एंड इफ यू पुल देन यू कैन ओपन दिस बैग। तो इसमें माइंड यू दोस्तों इसमें चेन नहीं है और कभी भी आपको बंद करना हो तो यू जस्ट स्क्वीज इज लाइक दिस, इसको पुल कीजिए एंड दिस विल नॉट लेट दिस माउथ ओपन। इसके ऊपर वाले पार्ट्स में भी दोस्तों दो पॉकेट है, यहाँ पे ये टॉप कवर में से ये एक पॉकेट है। सो यू कैन सी द चेन हियर एंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो वन पॉकेट इज देयर। सो ये जो दो पॉकेट है दोस्तों ये काफी हैंडी होगी फॉर योर आई कार्ड्स, टिकट्स, पासेज एक्सेट्रा। एंड एक और इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों इस बैग में, सो हियर यू कैन सी बैकपैक लेंथ एडजस्टमेंट। तो ये जो है दोस्तों अगर आप इसको ओपन करते हैं यू विल सी सम स्लॉट्स हियर, जो स्टिच्ड स्लॉट्स है। आप अपने लेंथ के हिसाब, अपने हाइट के हिसाब से आप इसको जो है जिस स्लॉट में आपको सुविधा होती है आप उसमें डाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये जो लेंथ है
ये वेरी हो सकता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर अबाउट दिस बैग. बैग की पैडिंग बहुत अच्छी है दोस्तों. ये इसका फ्रंट में भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं. और इसका जो साइज है ये अप्रोक्सीमेटली बाय हाइट अराउंड 2 feet है और विड्थ में आई थिंक इट्स समवट मोर देन 1.5 feet. काफी बड़ी बैग है. और इसको अगर मैं ऐसे लेता हूँ दोस्तों, सो आई एम 5'11" और लिटिल मोर देन दैट. तो दिस सूट्स माय हाइट वेरी वेल. थोड़ा भारी है क्योंकि इंटरनल फ्रेम वाला बैग है, तो आई थिंक अराउंड 2.5 kilo तो होगा इसका. बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ नाइस बैग. अभी तो लॉन्ग रन में यूज करने के बाद पता चलेगा कि हाउ रिलायबल दिस विल बी, बट एट फर्स्ट ग्लैंस एंड बाई सींग द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद दिस बैग. हो गया ना वीडियो खत्म और क्या. जस्ट जोकिंग फ्रेंड्स. गुड बाय एंड टेक केयर.